हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट कार्ड बाय सोनी। आज हमने दिवाली के लिए कुछ डेको रेडी किए हैं। एक हमने लैंप रेडी किया है, एक हमने दिया स्टैंड और कैंडल होल्डर भी हमने बनाया है। और इन सबको बनाने के लिए टोटली वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है। ये लैंप बनाने के लिए मैंने ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है खाली, और इसे ऊपर से कट करके मैं अकॉर्डिंग टू साइज़ इसे कट कर लूँगी। और ऊपर वाले पार्ट को मैंने हाफ ही कट किया है ताकि वो ऊपर से कवर हो सके। और क्योंकि हम लैंप बनाने जा रहे हैं तो इसके जो चारों साइड हैं उनको हम स्केल से मार्क कर लेंगे, और मार्क करने के बाद हम पेपर कटर की हेल्प से उसे कट कर लेंगे। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, अभी मैं इसे कट कर रही हूँ। आप इसे बनाने के लिए नॉर्मल कार्डबोर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, जो सॉफ्ट कार्डबोर्ड होता है, और उस पर फोल्ड करके फिर ऐसे आप उसे बना सकते हैं। अभी मैं इसके जो बंद था मैंने इसे ओपन कर लिया है, क्योंकि मुझे इसमें शीट को पेस्ट करना था, ट्रांसपेरेंट शीट को लैम्प बनाने के लिए, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं था बंद होने के बाद। और इस पर मैंने पूरी एजेस पे मास्किंग टेप को पेस्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे इस पर कलर करना है तो वो अच्छे से ईजिली हो जाएगा और वो निकलेगा भी नहीं। तो मैंने इसकी सारी एजेस पे मास्किंग टेप को अच्छे से लगा लिया है। मास्किंग टेप हमने लगा ली है, और नीचे के पार्ट को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उस पर वो ऑलरेडी ब्लैक है, तो उस पर हमें नीड नहीं है। और मैंने इस पर पूरे पे ब्लैक कलर कर दिया है। ये मैंने एक फोल्डर ले लिया है, फाइल जिसमें हम पेपर को सेव करते हैं, और इस पे मैं कटिंग वाले पार्ट्स को रख के उसे थोड़ा एक्स्ट्रा रख के मैं साइज़ के अकॉर्डिंग उसे कट कर लूँगी। फिर मैंने इसे रख के एक बार चेक किया ताकि ये पता चल जाए कि ये छोटा है या बड़ा। फिर इसके अकॉर्डिंग मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है। 4 पीसेस हमें रेडी करने हैं। 4 पीसेस रेडी हो गए हैं, अभी मैं इनको पेस्ट करूँगी इस पे। पेस्ट करने के लिए मैंने ग्लू की हेल्प ली है। ये हमारी चारों ट्रांसपेरेंट शीट लग चुकी हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से सिक्योर करने के लिए मैंने मास्किंग टेप का भी यूज़ किया है। सेंटर में मैं मास्किंग टेप लगा रही हूँ। अभी मैंने इसके जो ट्रांसपेरेंट शीट है उस पर डिज़ाइन बनाने हैं, अलग अलग पैटर्न मैंने रेडी कर दिए हैं। अभी इसे हम पेस्ट कर देंगे और इसे एक लैंप की शेप देंगे। नीचे वाले पार्ट को भी फेविकोल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। लैंप हमारा रेडी हो चुका है। मैंने इसमें टी कैंडल्स का यूज़ किया है, आप इसमें चाहें तो फेरी लाइट्स का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड DIY है हमारा कैंडल होल्डर। इसके लिए मैंने एक ये मिट्टी का जो ढक्कन जिसे हम बोलते हैं वो ले लिया है, और इस पे मैंने वाइट पेंट कर दिया। पहले मैंने ऑरेंज स्टार्ट किया था, उसका कलर अच्छा नहीं आया, फिर मैंने वाइट करके उसके ऊपर से मैंने ऑरेंज कलर को किया है। पेंट कंप्लीट हो गया, अब बारी है इसे डेकोरेट करने की। डेकोरेट करने के लिए मैंने मिरर का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने डायमंड शेप वाले मिरर का यूज़ किया है, आप जो चाहें मिरर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने कुछ राउंड शेप के मिरर का यूज़ किया, और ये मैंने इस पर थोड़ा पैटर्न बना दिया है कलर की हेल्प से, ताकि ये थोड़ा और स्टनिंग लगे। और किनारी पे मैंने ये जो लेस होती है गोल सर्कल वाली, उसका मैंने यूज़ किया है। फाइनली हमारा होल्डर बनके रेडी हो चुका है। हमारा थर्ड DIY है, CD से बना के हम रेडी करेंगे।
वो है एक दिया होल्डर, और इसे बनाने के लिए मैंने सीडी और खाली पैन जो है उनका यूज़ किया है। एम सील का भी हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें एक हार्डनर और एक सॉफ्टनर होता है, उसे लेकर मैंने सीडी के बीच में ये दो पार्ट्स को रेडी करके साइड कर दिया। और थर्ड मैंने एक और सीडी ली है, उसके ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया और उसे होल करके उसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दिया, और इन्हें ड्राई करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था। अब ये ड्राई हो चुके हैं, तो वापस मैं इन्हें एम सील की हेल्प से एक के ऊपर एक करके ऐसे सेट कर दूंगी। ये देखिए मैंने पूरे पे इसको एम सील से कवर कर दिया है अच्छे से, और इसे फिर से मैंने ड्राई कर लिया। और ड्राई होने के बाद हम शुरू करते हैं आगे की प्रोसेस। अब मैंने फिर से एम सील के पीसेस लिए हैं और दिया को इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर रही हूँ एम सील की हेल्प से। यहाँ मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि मुझे सीडी में कलर पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर आप चाहें तो सीडी में भी कलर पहले कर लें और दियाज में भी कलर पहले कर लें। मैंने ये कलर बाद में किया तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कलर करने में, लेकिन कोई नहीं, डीआईवाई तो हमें रेडी करना था। तो मैंने इसमें फाइनली दिया में डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ किया है, और सीडी में भी वाइट कलर करके बाद में मैंने उसमें एक डिफरेंट कलर का यूज़ किया। हमारे दिए और सीडी की कलर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है ये पेन जो मैंने बीच में लगाए थे उन पे भी मैं अभी कलर कर रही हूँ। दिए को और सुंदर बनाने के लिए इसके किनारे पे मैंने गोल्डन कलर को लगाया है। और यहाँ मैंने कुछ मिरर का यूज़ करके इसको थोड़ा और सुंदर बनाया है। ये देखिए हमारा स्टैंड बनके रेडी हो गया है।